कैसी लगी उमर ट्राइन? या इट्स अ नाइस फिल्म बट इट्स मैन फॉर द पर्टिकुलर ऑडियंस. नॉट एवरी पीपल विल बी लाइकिंग इट बट द पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड इन सीइंग गुड. राजकुमार हैज डन अ गुड एक्टिंग जॉब एंड ही इज नाइस ऑल द मूवीज. बट इट द मूवी ऑल्सो शोज द फैक्ट्स विच आर वेरी गुड. बट एट द एंड इट्स नॉट फॉर ऑल द पीपल, इट्स फॉर द पर्टिकुलर चॉइस ऑफ योर. डायरेक्शन वॉज नाइस, राजकुमार जस्टिफाइड द रोल. ही डिड अ गुड जॉब. आई टोल्ड यू प्रीवियसली. दैट वॉज रियली नाइस बिकॉज पीपल वोंट बी हैविंग दैट मच नॉलेज एंड अबाउट द फैक्ट दैट विल बी दैट वर बीन गिवन. सो मूवी जस्टिफाइज दैट. ओके, आउट ऑफ 5 स्टार अमृतसर. Three. It's an amazing film. I like Rajkumar Rao acting, and Hansal Mehta is a very good like director. The way he described the story, I like it. क्या लगता है justify हुआ, justify होता है राजकुमार के character और कितने अच्छा perform किया? Absolutely, बहुत अच्छा perform किया है राजकुमार राव ने. जो ओमार सईद शेख का character बहुत अच्छे से play किया है and बहुत अच्छी movie लगी overall. It's a direction के बारे में क्या कहेंगे Hansal? वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं इसलिए मैं देखने आया मूवी. हंसल मेहता की मूवी, उनकी पहले भी मूवी, वो पहले की मूवी बहुत अच्छी रही, ये भी बहुत अच्छी थी. और उन्होंने जिस तरह से पोर्ट्री किया है सारा स्टोरी, इट्स वेरी गुड. आपको लगता है कि हंसल मेहता और राजकुमार राव की केमिस्ट्री बहुत वर्क करती है? हाँ, ये कम्प्लीटली दिखता है इस मूवी में, दिखा है पिछली मूवीज में भी दिख रहा है. इनका आपस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा काम करते हैं मिलकर. आगे भी अच्छा काम करेंगे, कुछ देखने को मिलेगा. तो I would give it 4. Thank you so much. It was a very good movie. 4 out of 5 for sure. Baki Hindi bol sakta hu wrongly hai na? Haan ji. तो यार मूवी बहुत अच्छी थी यार. स्टोरी एंड एवरीथिंग, जब आप ऐसी मूवीज़ की बात करते हो ना तो आप, मुझे लगता है कि आपको डायरेक्शन एक्टिंग वो सबको इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑल टुगेदर मूवी बनाई जाती है अवेयरनेस के लिए. और मुझे ही कई सारे नाम नहीं पता है, किसी भी नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता होता कि यार ये कौन था, वो कौन था, हु ऑल नो, कौन इन्वॉल्व था, किसी को नहीं पता होता. वी जस्ट नो दैट प्राइम नेम, जैसे उसामा बिन लादेन हो गया या वो सारे नाम हो गए. तो ये स्टोरी उमर शेख के बारे में थी जो राजकुमार राव ने प्ले किया, और उसकी जो भी जर्नी थी और हाउ ही डिड थिंग्स यू नो, और उसके बारे में बताना. तो यहाँ पे हम बात करते हैं जब अवेयरनेस की, तो हम बात नहीं करना चाहिए दूसरी चीज़ों की. बाकी उसके अलावा फिर भी एक्टिंग वॉज वेरी गुड, वेरी फाइन. मतलब यू आर वेरी कन्विंस्ड सीइंग द स्टोरी एंड एवरीथिंग. या आई बिलीव दे यूज दोज ओरिजिनल फुटेजेस इन द मूवी, सो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है. पता है व्हेन यू गेट टू रियलाइज बीच बीच में कि यार ये तो रियल है यार, सुनो दैट इटसेल्फ स्टर करता है. हाँ, देन वी गेट टू कनेक्ट. इट्स अ वेरी गुड मूवी. ओके, हंसल मेहता एंड यू नो राजकुमार राव ऑलवेज गिव्स अ गुड सिनेमा एंड देयर केमिस्ट्री टू वर्क्स. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल सही बात है. मतलब आप देख सकते हो मेरा टेक क्या होगा. यू आस्क पीपल, एवरीवन से हाँ भाई अच्छी थी. यू नो पीपल, हम लोग देखते जरूर एंटरटेनमेंट वाली मूवीज बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट, बट मुझे लगता है कि इसको भी फॉलो करना चाहिए एंड इन द थिएटर हॉल, नॉट इन अ पायरेटेड वर्जन. मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगता है क्योंकि ऐसी पिक्चर बनती है उसमें खर्चा बहुत होता है बट लोग थिएटर में जाके देखते नहीं है, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. 4 तो फॉर श्योर, 4 फॉर श्योर. आई डिड नॉट लाइक एट ऑल. It is about the terrorism. They are showing things which has already happened, not anything new. They are showing the papers and everything what has happened. Why should they spread so much of negativity? Or abhi ke time pe, you know, itna attention rehta hai hamara Kashmir ko leke, India ko leke and Pakistan. So keeping all that in mind, I did not like it. How many stars would you give? 1.5. The film is totally awesome. No doubt, it's like a biopic on some terrorist. क्या आपको लगता है justify होता है इस तरह की फिल्म बनाना? ये एक commercial film नहीं कहेंगे इसको. अगर आप देखें तो commercial film नहीं है ये, totally challenging role है. तो ये एक आतंकवादी के ऊपर एक biopic type की movie है. तो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि किसी आतंकवादी के ऊपर इतनी अच्छी मूवी बनाई गई है और इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है. राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? राजकुमार अगर नहीं होता तो इस फिल्म में जान नहीं होती, उसने जान डाल दिया मूवी में. आपको लगता है कि हंसल मेहता राजकुमार जब भी फिल्में करते हैं, चाहे वो शाहिद करें चाहे कोई और फिल्म करें, कमाल करते हैं? मतलब उनकी केमिस्ट्री काम करती है? कमाल नहीं, ये धमाल करते हैं. क्या खास लगा आपको उमरता में? उमरता में मेरे को खास ये लगा कि मतलब एक आतंकवादी कैसे किस तरह से आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और उसके बारे में हंसल मेहता ने किस अच्छे तरीके से दर्शित किया है, ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी. 4 स्टार.